गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम रिक्त स्थान सीखेंगे, जो हम अ से अह तक सीखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये क्या बना है? देखो बच्चों, कितना सुंदर पेड़ बना है ना? और इस पेड़ में क्या लगे हैं? सेब। और ये देखो बच्चों, कितने सुंदर सेब लगे। और आपको पता है ना, सेब हमारी सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो बच्चों, इस पेड़ में जो सेब लगे हैं, इसमें हमने कुछ स्वरों को लिखा है, ठीक है बच्चों? तो जो स्वर छूटे हुए हैं, वो स्वर आपने भरने हैं। आप सभी को स्वर तो आते हैं ना बच्चों? तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैम ने ये क्या लिखा है, अ से। इस सेब के अंदर मैम ने क्या लिखा है? अ से अनार। यस। अब ये बताइए, अ से अनार के बाद क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे आ से आम। ये देखो, अ से अनार के बाद क्या लिखा? आ से आम। अब देखिए, आ से आम के बाद क्या है? छोटी ई से इमली। अब छोटी ई से इमली के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? बड़ी ई से ईख। क्या लिखेंगे? बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख के बाद कौन सा सेब है? देखो बच्चों, ये छोटा ऊ से उल्लू। और छोटा ऊ से उल्लू के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। इसके बाद आता है बच्चों री से ऋषि। फिर री से ऋषि के बाद देखिए बच्चों, ये यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग? ए से एडी। ए से एडी के बाद क्या लिखा है बच्चों? आई से ऐनक। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्या आता है आई से ऐनक के बाद? ओ से ओखली। और ओ से ओखली के बाद औ से औरत। उसके बाद आता है बच्चों, इस वाले सेब में हम लिखेंगे औ से औरत के बाद अंग से अंगूर। और सबसे लास्ट वाला स्वर क्या है बच्चों? ओह, बोलो खाली। है ना बच्चों? ये देखो, ये कितनी सुंदर, कितना अच्छा लगा ना आपको इस काम को करने में, ये स्वर भरने में। है ना बच्चों? तो ऐसे ही आप लोग अपने घरों में भी रिक्त स्थान भरेंगे, ठीक है बच्चों?